हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर चाहिए साइकिल टू बाइक या फिर बाइक टू बाइक कन्वर्ट होने वाले वीडियो आप देख सकते हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं और इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। वीडियो आपको यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड तक शूट करना है। इसके बाद इस वीडियो को हम काइनमास्टर एप्लीकेशन से एडिट करेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस वीडियो को किस प्रकार आपको एडिट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, यदि आप स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद वीडियो को मैं आपको प्ले करता हूँ। आपको सिंपल कुछ इस तरह से वीडियो को शूट करना है। काफ़ी ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 से 5 सेकेंड तक वीडियो को शूट कर लेना है। मैंने यहाँ पे वीडियो 2 से 3 सेकेंड का शूट किया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड तक शूट करना है। शूट करने के बाद यदि वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो को अगेन आगे की तरफ लेकर आना है और आपको देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो आपको वीडियो को रखना कहाँ तक मैं बताता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से उछालते हैं, जैसे कि हल्का ऊपर की तरफ उड़ता है, इसी पोजीशन में आना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो सिर्फ हमें यही पार्ट चाहिए, तो ध्यान रखना है कुछ इस तरह से आपको वीडियो को शूट कर लेना है। बस तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 सेकेंड तक का वीडियो शूट किया हूँ, तो आपको यहाँ पर 4 से 5 सेकेंड तक वीडियो शूट करना है। शूट करने के बाद इस वीडियो को लेयर पर क्लिक करता हूँ। इस वीडियो को यदि आप स्लो मोशन करना चाह रहे हैं तो सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे और यहाँ पर आपको 0.5 कर देना है, तो यह वीडियो आपको स्लो मोशन में हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को स्लो मो में नहीं करना है, क्योंकि हमारा वीडियो यहाँ पे 1 सेकेंड का था, इसलिए मैंने स्लो मो में किया हूँ। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और एक बात ध्यान रखना है, वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में देख भी सकते हैं और ओरिजिनल वीडियो में देख सकते हैं। तो आपका वीडियो इसके बाद क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है। वीडियो आइडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इस आइडियो को आपको लास्ट पॉइंट पर लेकर आना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है स्टार्टिंग में, जहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हम ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं, कुछ इस पोजीशन में आना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट, सिंपल आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद जब फाइनल आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो जैसे कि लगेगा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है, वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको 4 से 5 सेकेंड तक वीडियो शूट करना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो वीडियो के कमेंट में @TechnicalShailendra लिख सकते हैं या फिर वीडियो के लिंक के कॉपी करने के बाद इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।